नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाय जो। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के बिहार टीचर के क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सामाजिक विज्ञान के बहुत ही शानदार बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे दोस्तों। और इस बुक में आपको सामाजिक विज्ञान के सारे सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था कंप्लीट गाइड है दोस्तों। चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ, एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ बिहार टीचर के लिए ये किरण पब्लिकेशन का बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों। इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों 325 रुपये, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और इस बुक का कोड आप दोस्तों देख लीजिएगा, 4306 इस बुक का कोड है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों इस बुक में नंबर ऑफ पेज के बारे में, तो 382 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। चलिए इस बुक के कंटेंट को हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों किरण पब्लिकेशन का ये बुक है बिहार शिक्षक के लिए, बिहार टीचर के लिए, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक क्लास 9 और 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित सामाजिक विज्ञान का ये बुक है दोस्तों। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था सेल्फ स्टडी गाइड है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों क्लास 9 और 10 के लिए। और यहाँ बुक का एमआरपी दोस्तों देख लीजिएगा 325 रुपये, न्यू एडिशन है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। ये इनका कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है किरण पब्लिकेशन का, इनको चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम विषय सूची को देखते हैं। तो विषय सूची में सबसे पहले आपको क्लास 9 कवर किया गया, फिर क्लास 10 कवर किया गया। और ये दोनों एनसीईआरटी और जो बिहार बोर्ड होता है एससीईआरटी, उनको मिलाकर इस बुक को, मतलब दोनों को मिलाकर इस बुक को यहाँ बनाया गया है, ठीक है ना। क्लास 9 और 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार टीचर के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्लास 9 में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो 4 टॉपिक हैं, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, रूसी क्रांति, हिटलर का उदय और वनावरण, और उसके बाद भारत और समकालीन विश्व 2, ठीक है। तो भारत और विश्व का इतिहास दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे इतिहास सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व, औद्योगिक क्रांति से पहले, ठीक है। उसके बाद भूगोल आपको देखने को मिलेगा। तो भूगोल में भी आपको क्लास 9 और 10 ही आपको देखने को मिलेगा। तो भूगोल में सबसे पहले समकालीन भारत 1, जिसमें भारत का भौतिक स्थिति, भारत की भौतिक स्थिति, उसके बाद यहाँ पे अपवाह तंत्र हो गया, उसके बाद जलवायु हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया, मृदा हो गया, प्राकृतिक संकट एवं आपदा हो गए, उसके बाद समकालीन भारत 2 हो गया, उसमें आपको संसाधन एवं विकास हो गया, वन्य जीव संसाधन हो जाएगा, जल संसाधन हो जाएगा, उसके बाद कृषि हो जाएगा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हो जाएगा, विनिर्माण उद्योग हो जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हो जाएगा, मानचित्र अध्ययन एवं उच्च निरूपण हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों लोकतांत्रिक राजनीति 1 हो जाएगा, समकालीन विश्व के में लोकतंत्र हो जाएगा, चुनावी राजनीति हो जाएगा, संस्थानों का कामकाज हो जाएगा, लोकतांत्रिक का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। ये राजनीति शास्त्र है। उसके बाद दोस्तों क्लास 10 का लोकतांत्रिक राजनीति 2 आपको देखने को मिलेगा क्लास 10 का, जिसमें सत्ता की साझेदारी हो गया, लोकतांत्रिक और विधाता हो जाएगा, लोकतंत्र के परिणाम हो जाएंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा सबसे अंतिम में क्लास 9 और 10। संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती, भारत में खाद्य सुरक्षा, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मृदा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें देखेंगे दोस्तों तो आपको सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया। जैसे इसमें सबसे पहले इतिहास क्लास 9 और 10, भूगोल क्लास 9 और 10, उसके बाद राजनीति क्लास 9 और 10, उसके बाद अर्थव्यवस्था क्लास 9 और 10। टोटल आपको 372 पेज, अंतिम में आपको एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड एससीईआरटी के आधार पर क्लास 9 और 10 के चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे तो इस एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया गया कि कैसे इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे इस एग्ज़ाम में आप बेहतर कर सकते हैं, सारा कुछ आपको बताया गया, सिलेबस बताया गया, सारा कुछ यहाँ देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग आपको दिया गया है कि कैसे आपको कवर करना है, कौन से अध्याय बिहार बोर्ड में है, दोनों में कौन सी समानता आपको देखने को मिलेगी, एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड जो है एससीईआरटी दोनों को कंपेयर करके बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। कक्षा 9 में आपको क्या देखना है, कक्षा 10 में आपको क्या देखना है, सारा कुछ आपको यहाँ बताया गया है, सिलेबस को कवर किया गया। भाग 2 जो 40 नंबर का, उसको कैसे कवर करेंगे, कैसे स्कोर करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ दिया गया। बिहार राज्य शिक्षक नियमावली क्या है, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देखने को मिलने वाला है।
ठीक है। इनका करेंट अफेयर का वेबसाइट है, इसे भी चाहे तो विजिट कर सकते हैं करेंट अफेयर को स्टडी करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि भारत और समकालीन विश्व हो जाएगा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट में कवर किया गया सारे टॉपिक को, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया। जैसे मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताता हूँ, जैसे यहाँ देखिएगा, सन 1774 में बुर्बो राजवंश से सिक्सटीन हो जाएगा फ्रांस की राजगद्दी पे आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंतो एनेट से हुआ। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, बट थ्योरी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारियों के अंत की कल्पना की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रांति की शुरुआत, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक कल्याण हो गया, राजनीतिक कारण हो जाएगा, उसके बाद पुरुषों एवं नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र हो जाएगा, सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ दिया गया है। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और ये सारे टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। उसके बाद आपको रूसी क्रांति देखने को मिलेगा, अभी हम क्लास 9 को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ शुरुआत में देखेंगे तो अभी शुरुआत में आपको क्लास 9 के टॉपिक देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, इतिहास के। ठीक है, इसी तरह से आपको आगे जाके सारे टॉपिक को कवर किए गए हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से। और ये बिहार टीचर के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा बुक है। इस बुक में आपको मैप भी देखने को मिलेगा और जो भी कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड इन्होंने बनाया हुआ है। और इस बुक को अगर आप स्टडी अच्छे से करते हैं तो बिहार टीचर का एक आपका काफ़ी बेहतर तैयारी हो सकता है। ठीक है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं दोस्तों, बुक में कोई कमी नहीं है, बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इस बुक को आपको लेना चाहिए। ठीक है, सारे टॉपिक को दिया गया जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, ठीक है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ कवर किया गया है। सबसे पहले इतिहास है, तो यहाँ नीचे लिखा गया इतिहास, ऊपर लिखा गया इतिहास 9 और 10 का है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों को कवर करके इस बुक को बनाया गया दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोनों के सिलेबस को कंबाइंड करके इस बुक को तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इस बुक को बनाया गया है। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे कि एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्लास 9 और 10 के, और वो भी टॉपिक वाइज, जैसे भौगोलिक खोज हो गया, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति हो गया, सारा कुछ आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बुक को आपको लेना चाहिए, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद समकालीन भारत 1 हो जाएगा, भारत की भौतिक स्थिति, यहाँ पे मैप आपको देखने को मिलेगा और जो भी जानकारी है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ दिया गया है। मैप बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैप यहाँ देखने को मिलेगा, जगह जगह आपको मैप देखने को मिलेगा, फिगर आपको देखने को मिलेगा, भारत की भौतिक स्थिति हो गया, हर एक चीज़ मैप के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो थ्योरी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, कंटेंट काफ़ी अच्छा है, इस तरह से आपको नोट भी देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट टेबल भी देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे ज्योग्राफी में मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैप फिगर ये सब दिया गया है, जिससे ज्योग्राफी समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको टेबल में दिया गया है स्टैटिक जीके के फॉर्म में, और आप आसानी से कवर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है। जैसे यहाँ दोस्तों देखेंगे कि लोकटक झील के बारे में यहाँ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड इस बुक को बनाया गया दोस्तों। आप दोस्तों देख सकते हैं कंटेंट कितना ज़्यादा अच्छा है इस बुक का, सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, ये ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इस तरह से टेबल में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये भूगोल है, ऊपर में भूगोल लिखा गया, तो भूगोल वाले पोर्शन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो इसके बाद आपको क्लास वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 9 और 10 के चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्लास 9 को कवर किया गया है, जितने भी चैप्टर है क्लास 9 के, उसके बाद क्लास 10 के संसाधन एवं उनके उपयोग। ठीक है, तो सारे टॉपिकों के एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे, आंसर की के साथ आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लोकतांत्रिक राजनीति, मतलब इंडियन पॉलिटी हो गया यहाँ पे, तो उसके भी सारे टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया इन्होंने। और बुक को दोस्तों पढ़ने में आपको काफ़ी मजा आने वाला है, एक बुक से पूरा सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं, मतलब 80 नंबर आपका आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, संविधान का निर्माण हो गया,
सारा कुछ दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब यहाँ कवर किया गया है। और आपको कोई अदर बुक लेना नहीं होगा, ये कंप्लीट गाइड है आपके एग्जाम के लिए। इस बुक को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आराम से आप 80 में से 80 भी स्कोर कर सकते हैं, 70-80 तो आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से MCQ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगा, और सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया है दोस्तों। तो इस बुक को दोस्तों ले लीजिए, MCQ क्वेश्चन के साथ है ये बुक है। और यहाँ पे आगे जब चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा, क्लास 9 का संसाधन के रूप में उनका उपयोग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों निर्धनता एक चुनौती, भारत में खाद्य सुरक्षा, उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, उसके बाद सब्सिडी को समझना, सब्सिडी के देने के देना, सारा कुछ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास 9 और 10 को अच्छे से कवर किया गया। परीक्षा उपयोगी फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे अंतिम में। उसके बाद आर्थिक विकास की समझ है, क्लास 10 हो गया। उसके बाद मुद्रा हो गया, साख हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद WTO हो गया, सारा कुछ आप दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छे से टेबल में यहाँ कवर किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोष हो गया, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों विश्व बैंक हो गया, उसके बाद यहाँ पे DTAA हो गया, ड्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, उपभोक्ता हो गया, इंटरनेशनल हो गया। उसके बाद यहाँ पे MCQ क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बुक दोस्तों अच्छा है, बुक को आप परचेज कर सकते हैं। सारे कंटेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। और ये दोस्तों बुक किरण पब्लिकेशन का बिहार टीचर के लिए और क्लास 9 और 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट गाइड है दोस्तों, चैप्टर वाइज MCQ के साथ। तो इस बुक को ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं बता दूँ कि अगर आपको और भी डिटेल में क्वेश्चन को कवर करना है, तो ये खान सर की कुछ बुक है, अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास और राजव्यवस्था और पर्यावरण, 5 बुक आते हैं, इनको भी परचेस कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस के ये बुक आते हैं खान सर के, इन्हें भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, सारे बुक दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं किरण पब्लिकेशन के। ठीक है ना, इसके अलावा किसी का मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक और चीज़ यहाँ दोस्तों रह गया कि इनका जो बुक आता है दोस्तों क्लास 5 1 से 5 के लिए भी आपको सामान्य दिन का प्रैक्टिस बुक मिल जाएगा। भाषा के नॉलेज के लिए थ्योरी प्लस में प्रैक्टिस वर्कबुक आपको देखने को मिल जाएगा। भाषा जो लैंग्वेज टेस्ट होगा 100 नंबर का क्वालिफाइंग है। सामाजिक विज्ञान का भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। सामान्य अध्ययन का भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। सामान्य हिंदी हो गया, गणित हो गया, और उसके बाद विज्ञान हो गया, विज्ञान का प्रैक्टिस सेट हो गया, सामान्य अध्ययन का और विज्ञान का गाइड आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिहार टीचर के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल इनका मार्केट में लॉन्च हो चुका है और सभी बुक आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।